तो दोस्तों जब बात आती है शादी में जाने की या घूमने की तो बहुत ही हम जल्दी उठ जाते हैं, और किसी काम की बात आती है तो हम बहुत ही लेट उठते हैं। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मुझे जाना था शादी में तो मैं जल्दी उठा और जल्दी जल्दी मैं गया स्टेशन की ओर, क्योंकि मेरी ट्रेन थी बहुत ही सुबह सुबह। मैं बहुत ही लेट हो रहा था तो मैं पहुँच गया स्टेशन पर, और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था मेरे अलावा, मैं बिल्कुल अकेला था। तो मैंने कुछ बैठे वहाँ पर कुछ वीडियो शूट कर ली, और ट्रेन आने में समय था तो मैं वेट करता रहा, और उसके बाद आ गई थी हमारी ट्रेन, और ट्रेन भी काफ़ी जल्दी जल्दी समय पर ही आ गई थी अपनी ट्रेन। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रेन में भीड़ हो रही थी, क्योंकि चल रहे थे जो यूपी पुलिस के थे वो एग्ज़ाम चल रहे थे, तो ये वीडियो काफ़ी लेट डाल रहे हैं, तो आप कोई टेंशन मत लेना। तो हम ट्रेन में बैठ चुके थे और मुझे जाना था दोस्त की बहन की शादी में अपने गांव। तो मैं जब स्टेशन पर वहाँ उतरा जहाँ मुझे जाना था, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं भी चलता गया और देखा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ चल रही थी साथ में। तो मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत से लोग मुझे देख रहे थे कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम था वो स्टूडेंट का टाइम चल रहा था क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, तो मैं भी चुपके से वीडियो बनाता रहा। फिर मैं पहुंचा अपने घर पे तो देखा मेरे जो पिताजी थे और माताजी वो पूजा कर रहे थे और पिताजी कुछ काम कर रहे थे, मैंने भी थोड़ी पूजा की और मैं फिर चला गया अपने दोस्त के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ बैठे बैठे क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया। और मैं उसके बाद फिर मैंने देखी अपनी बकरी, और बकरी थी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। तो जिस समय का इंतजार था वो समय आ चुका था शादी वाला, तो मैं मैरिज होम में पहुंच चुका था। तो मैंने भी एक बढ़िया से ब्लैक ब्लेजर और वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, और मेरे दोस्त सारे नाच रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा नाच लूँ। तो मैं भी वहाँ पर थोड़ा गया और नाचने लगा, और नाचने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद तो देखा कि खाना खाना है, भूख भी लगा रही थी, भूख भी लगना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नाश्ता से भूख लग जाती है। तो खाना खाया और उसके बाद देखा कि बारात आ चुकी थी दरवाजे पर, तो वहाँ पर बारात में काफ़ी एंजॉय किया, और मैंने दूल्हे राजा को देखा, बहुत ही अच्छे और हैंडसम लग रहे थे वहाँ पर, और फिर पटाखे भी चल रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब बारात आती है दरवाजे पर बहुत ही पटाखे चलते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा। और हमारी दुल्हन जो हमारी बहन थी वो भी आ चुकी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा साथ एंजॉय करके। अगर आपको भी ऐसी और वीडियो देखनी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बने रहे हमारे चैनल ब्लॉग्स वाई एजे में। तब तक लिए बाय, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।